You're a superhero. हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूँ ऋतिक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं द क्रेजी ऋतिक वाइटी चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं MIUI 13 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MIUI 13 के दोस्तों जो है कुछ लीक्स निकल के आए हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना, आपके सारे जो हैं डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग जो है MIUI 13 के किस बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, हमारे ये दो चैनल हैं मेन, अभी MIUI 12.5 का और MIUI 13 का। तो ये दोस्तों हमारा MIUI 12.5 का, यहाँ पर दोस्तों मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए दोस्तों इंस्टेंट अपडेट्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ हमारे MIUI 13 के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो है एलिजिबल डिवाइसेज जो दोस्तों उनकी लिस्ट निकल के आ गई है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों हम आसपास इसके अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आसपास हमें देखने को मिल जाएंगी डिवाइसेज जिनके अंदर MIUI 13 का अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास कुछ डिवाइसेज हैं जिनके नाम मैं आपको लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों रेडमी डिवाइसेज हैं, हमारे रेडमी की लिस्ट है। इसमें दोस्तों हमारा पहला डिवाइस आता है रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 5G, रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। इस तरीके से दोस्तों हमारे रेडमी नोट 10 की जितनी भी सीरीज़ है उसको ये अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों K40 प्रो प्लस और K40 प्रो, K40 और 90, रेडमी 90, रेडमी 9 पावर, रेडमी 9 दोस्तों और K30 अल्ट्रा और Redmi 9 Prime, Redmi 9 i, Redmi 9 a और दोस्तों कुछ इस डिवाइस से हमारे इस तरीके की डिवाइस हम देखने को मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों हमारे Redmi Note 9 Pro Max भी शामिल किया गया है। Redmi Note 9 की जितनी दोस्तों सीरीज़ है उसके अंदर MIUI 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों हमें जो K20 की पूरी सीरीज़ है उसको अपडेट देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ Miui डिवाइसेस आ जाती हैं हमें, जिनके अंदर दोस्तों ये अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि Miui 10 की सीरीज जितनी भी उनको अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। और साथ दोस्तों Miui 11 है जो नया अभी लॉन्च हुआ था, उसको भी हमें MIUI 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। और ये हमारे दोस्तों पोको की डिवाइसेस हैं, इनका नाम मैं सारे को ले देता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों पोको X3 NFC, पोको X3, पोको M2 प्रो, पोको M2, पोको F2 प्रो, पोको X2 और पोको C3। पोको F1 को दोस्तों ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ब्लैक शार्क डिवाइसेस भी हैं और ये कुछ दोस्तों इनको शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे रेडमी नोट 8 की सीरीज़ हो गई और Mi 9T की हो गई। इनकी दोस्तों जो डिवाइस है इनको शायद अपडेट देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेडमी नोट 7 और 7 प्रो में अभी दोस्तों 50-50 चांसेस हैं, कुछ पता नहीं है कि अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा कि अभी भी कौन कौन सी डिवाइस आएंगी जिनके अंदर MIUI 13 का अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके आसपास ही जो है हमें अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें भी आसपास ही हमारे डिवाइसेस को जो है रखा गया था अपडेट में। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों ये भी लिस्ट हमने बनाई है। और इसके दोस्तों जो फीचर्स हैं उसकी बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जरूर से वीडियो को देखते रहना और चैनल को सबका सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो मिले देखने को, जिसके अंदर दोस्तों MIUI 13 के फीचर्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही खतरनाक फीचर जो ऐड किए गए हैं MIUI 13 के अंदर, पूरा दोस्तों OS जो चेंज करने वाले हैं। तो जरूर से दोस्तों वीडियो को देखने, हमारे दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना। बिल्कुल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।